लड़की को लेके कहाँ जा रहा टांगे में? शादी कर रही है। तो रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी फन इंटरव्यू था एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंटरव्यूज। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत खुशी हो रही है आपको ऐसे देखकर कि यूपीएससी क्लियर हो गया। अब तो हमारे भद्रवा की बेटी ने देखो इतना नाम रोशन किया, और मेरे को तो एक यार बड़ा दुख होता है, सौरभ आपने पूछ ही लिया। एंड हाँ, लास्ट में जैन मैम। गुड मॉर्निंग बकलोल जनता, वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग्स। सुबह के बजे हैं इस वक्त 9:30। मैं घर से निकल चुका था आज, वैसे यार सुबह जिम नहीं जाना था हमने, क्योंकि उन्होंने आज रामनवमी है, सारे अपने अपने घरों में मतलब पूजा वगैरह करें, कंच के वगैरह पूज रहे हैं, तो इस चक्कर में मतलब शाम को जिम जाएंगे। बट यार अब रूटीन ऐसी बन चुकी है ना, तो मैं इस रूटीन को मतलब मिस नहीं करना चाहता, तो सुबह उठ गया था मैं जल्दी, तो नहा धो के मैं चलो निकल ही जाता हूँ। तो बट हम तो अभी यार 12 बजे जाना है एक इंटरव्यू करने, जम्मू की एक लड़की जिसने आई इसमें 7th रैंक लिया हुआ है और भी है, तो बट हैप्पी अभी थोड़ा सा लेट है, उसको 1 घंटा लग जाएगा, तब तक मैं मारता हूँ चक्कर शक्कर, लूर लूर फिरता हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा जी का नाम लेके, से विद मी हर हर महादेव। क्या मैंने बाइक लगाई है साइड पर और इतनी सही हवा चल रही है इस वक्त, तभी पुल पर हमेशा सही हवा चलती है रात को, मतलब खास तौर पर रात को 11 बजे के बाद जो यहाँ पे मज़ा आता है ना, मैं बड़ी बार आया हूँ यहाँ पे रात को, पुल पे रुका हूँ, बहुत अच्छा फील होती है, ऐसी वाइब आती है पूरे जम्मू में गई नहीं आती। बट फिलहाल आज रामनवमी का दिन है, तो माता रानी को मत्था टेक के आप भी जय माता दी लिख लो। और फिलहाल नीचे देखो यार, नीचे तो आज रौनक है सारी, अपने अपनी मतलब घर पे जो माता लगाई थी वो परवाने आए हुए हैं, वो देखो अलग वाइब है आज। जय माता दी। क्या बात है, क्या बात है, देखो भगवान माता रानी जब किसी से मिलाना चाहे तो मिला देती। विकास भाई क्या हाल चाल, जय माता दी। बिल्कुल परवाने जा रहे हो माता? क्या बात है यार, क्या बात है, मुझे पता नहीं था आप भी धार्मिक हो थोड़े। नहीं, घर वालों ड्यूटी। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया यार, मजे में। गाइस हैप्पी आ चुका था और अभी 11:30 बजे और अभी हम जा रहे हैं रूपनगर वाली साइड, जो अनमोल जो की IAS में 7th रैंक आया है, तो अभी उनका इंटरव्यू करना हमने, इंस्पिरेशन लेंगे थोड़ी सी, तू भी जिंदगी में कुछ कर सके। पागल है, सोच रहा मत किया, वो बहुत है। चलो फिलहाल आए रामनवमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यार अभी रूपनगर पहुंच गए थे हम पिछले 15-20 मिनट से, मैं और आप तो रूपनगर में घूम ही रहे थे, क्योंकि अभी अनमोल जी और उनके फादर सब वो माता परवाने गए हैं, रामनवमी है। और हमें भाई चांस यहाँ पे कौन मिल गया? आशीष भैया। आज कुछ ज्यादा नहीं मिल रहे हम? हाँ कुछ ज्यादा ही मिल रहे हैं, प्यार ज्यादा ही बढ़ रहा है, प्यार ज्यादा बढ़ रहा है, भगवान ज्यादा तुम मिलो। रामनवमी की शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी। और क्या नया चल रहा है? अब तो हमारे भद्रवा की बेटी ने देखो इतना नाम रोशन किया, और मेरे को तो एक यार बड़ा दुख होता है, सौरभ आपने पूछ ही लिया, कल टाइम्स नाउ या टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा होगा कश्मीर की बेटी यार। अच्छा, ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है, कश्मीर की बेटी ने जो है यूपीएससी में 7th रैंक लिया। यार हर चीज कश्मीर की बेटी नहीं होता, वो भी हमारा ही है कश्मीर, लेकिन यार जो जम्मू की बेटी है उसको आप जम्मू की बेटी लिखो तो ये बड़ा दुख होता है। हम ये नहीं, लेकिन हम उनको अच्छे से काउंटर करते हैं। तो खाली आपको टीआरपी कश्मीर से नहीं मिलेगी, जम्मू में बड़ी टीआरपी है यार। आजकल तो भैया वो देखा आपने, काल रॉक जो जम्मू पूरा घूम रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, बनी बसोली भद्रवाह, तो वो कहते हैं कि वैसी जगह नहीं देखी उन्होंने आज तक पूरा, वो उन्होंने उसने पूरा वर्ल्ड घूमा। मैं ये बोलूं, बसोली बनी तो है ही, मैं पुंछ गया हुआ था, पुंछ में इतनी अनएक्सप्लोर्ड जगहें हैं ना, आपने मैंने आपको दिखाया था ज़ियारत, दिखाई ज़ियारत कितनी हाइट पे है, सामने पाकिस्तान दिखता है, तो इतनी अच्छी जगहें हैं पुंछ में, है हमारे राजौरी में है, मेंढर बुद्दल, ये सारे एरियाज बड़े अच्छे अनएक्सप्लोर्ड है, टीआरपी बहुत है भाई यहाँ पर, तो कश्मीर में टीआरपी मत ढूंढो, जम्मू में वो टीआरपी है। रियासी बड़ी अच्छी जगह है, रियासी तो अपना हाँ, मैं भी सोचे करता है कि हैप्पी कोई डांस डूंस करे रियासी, पक्का चल गए रियासी आगे जी, ठीक है, सुल्ले का पानी नवा ले, ठंडा पानी, पानी होना चाहिए नेचुरल, ठीक है।
सो गाइस आ चुके थे हम अनमोल के घर पे एंड इंटरव्यू भी हमारा डन हो चुका है। अनमोल जी कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी फन इंटरव्यू था एंड अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंटरव्यूज। मैंने तंग तो नहीं किया था? नहीं तंग नहीं किया, आई होप पीपल आल्सो लाइक इट एंड दे गेट टू नो समथिंग फ्रॉम दिस। राइट थैंक यू सो मच। एंड सीरियसली यार, मतलब हमें तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि एक तो भद्रवाही कनेक्शन वो अलग से है एंड हमारे जम्मू कश्मीर से, सो वी आर रियली फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू अनमोल। एंड आई होप कि मतलब उम्मीद है आपसे कि आप जिंदगी में, जीवन में जहाँ भी जाओगे, कुछ भी करोगे, बहुत ही अच्छा करोगे क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी अच्छा करने वाली। इंटरव्यू हो चुका है सबका, आशीष भैया की भी एंड शहनवाज भैया आए हमसे मिलने के लिए। हमसे कहा ही मिलेंगे, मतलब ठीक है इंटरव्यू करने आए थे। और कैसे हो आप? ठीक ठाक? बढ़िया, ऑल गुड। गुड, आप ही दोगे? दे दिया आशीर्वाद, यूपीएससी हो गया क्लियर अब। एक मिनट सीधा खड़े। रूपनगर से निकलकर अभी हम आए दूसरी डेस्टिनेशन पर। हमारी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है सीरत बाजी, उसने भी आईएएस क्लियर किया हुआ है, तो आज मिलेंगे उनसे भी। बहुत टाइम बाद मिलने वाले हैं। आईएएस बकार हां, मेरे को टेंशन फ्री रही है। 4A मैं आईएएस कर लूंगा तो फिर इंटरव्यू कौन लेगा? मैं 4A सही रहो, मैं सोरे ला पे जा पैसे इंजन माया चलता रहे जिंदगी और के चाहिए था। ठीक है वाकई यार, आपकी वाकई यार सीरत के घर पे। एंड फातिमा साहिबा क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक सारा। बहुत बहुत मुबारकबाद यार, बहुत शुक्रिया। मतलब हमें तो पहले से ही पता था कि ये तो होगा ही आने वाले टाइम पे, बट सीरियसली बहुत बढ़िया, बिग अचीवमेंट है। मैनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, वी आर ऑल्सो हैप्पी। चल इंटरव्यू तो हमारा डन हो चुका है, बट हमारी प्रिय मित्र सीरत यूपीएससी के लिए किया, तो हम केक लेके आए हैं। एंड केक भी पता कहाँ से लेके आए हैं? जहाँ पे हम लास्ट टाइम मिले थे 39 बेकर से। हाँ, मेरे बर्थडे पे, तो वही से लेके आए। सो नाइफ है इसमें? है ना कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। आगे नहीं आता इतना बात है, बट मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। बहुत खुशी हो रही है आपको ऐसे देखकर कि यूपीएससी क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सीरियसली। ये रहते कट हो गया, बहुत है, वी आर ऑन डाइट, जिम जाना शाम को। चलो थैंक यू सो मच। हाँ नहीं, इसकी करवा दी, अब एंड अब इसका गेन करना हमने। हाँ चलो ठीक है, एंड हाँ लास्ट में जनरल। चलो थैंक यू। हाय गाइस, अभी हम तालाब थिल्ला रोड पे, और बेसिकली चक्कर क्या किया, मैंने एक चीज़ देखी है, हैप्पी की पर्सनल गाड़ी BMW ये है। तो एक रील का कंसेप्ट आया, हम सोचा वाई नॉट बना लेते हैं यार। हैप्पी जल्दी आओ, हैप्पी को नया बिजनेस खोल के दिया आज। चढ़ सीधा चढ़, मर्द बंदा तू, चल अपने सपनों की राजकुमारी लेके टांगे में भाग के जा रहा है। ये क्या हो रहा है? अभी रैंडमली हमें आराधना यहाँ से मिली, हम वीडियो शूट कर रहे थे, रील फनी। और ये मेरा लाइफ में पहली बार है। पहली बार कोई बात नहीं, आते हैं उतर। हैप्पी कहाँ? नहीं हैप्पी कहाँ जा रहा है? लड़की को लेके कहाँ जा रहा है टांगे में? शादी कर रही है। बात क्यों यार, मेरा पापा याद हो उन्हें ये करायी ले टांगे 10 करोड़ में। तू आ कर उतरो। भाई फनी रील शूट कर रहे थे टांगे के ऊपर, तो चलो वो हो गई, फिलहाल निकलते हैं अब यहाँ से, वापस चलते हैं ऑफिस की तरफ। सो दिन भर के सारे काम हो चुके हैं खत्म, नाउ लेट्स गो एंड हिट द जिम। तो गाइस जिम वगैरह खत्म करके मैं आ चुका हूँ घर, और बहुत ज्यादा थक चुका हूँ आज। वर्कआउट आज भी हैवी था, और इतनी ज़्यादा थकावट, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है मेरे को, तो फिलहाल मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, सो जाऊँगा चुपचाप करके। आप सब काम कर रहे होंगे, शायद ब्लॉग देख रहे होंगे या कुछ तो कर रहे होंगे, जो भी कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अभी क्या करते हो, ब्लॉग देख रहे हो आप, मज़ा आएगा। चलो यार फिलहाल करते हैं आज ब्लॉग का एंड, मिलते हैं कल। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्द है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।